हो यार, क्या करते हो? आगे आगे बंदा है, अभी कैसे मारूंगा बताओ। तो भाई लोग फाइनली फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे। ये होटल देख के कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, ये होटल वही है जो हमने इससे पिछले साल हमने लिया था होटल, जो ये वही वाला होटल है। मेरे को कहीं होटल मिला नहीं भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं इतनी जगह चक पता करा कि होटल दे दो, और कहीं पार्किंग थी तो होटल ढंग का नहीं था, ढंग का था तो वहाँ पार्किंग नहीं थी, रोड में खड़ी करनी पड़ती है। वैसे कल आके मैंने पूरा सामान बिखेर दिया था, देखो सब सामान बिखरा हुआ आपको। सारे कपड़े भीग गए थे तो ये सुखाने रखे हुए थे, देखो सूख रहे हैं। और बस तो फिलहाल अभी हम कहीं जा रहे हैं कुछ चीज़ देखने के लिए, मतलब कुछ देखने क्या, रहने की जगह। तो आपको समझ में आ रहा होगा रहने की जगह क्यों देखने जा रहा हूँ मैं। और क्या मस्त नज़ारे थे यार गोवा आते आते, मतलब कितने मस्त मस्त व्यू दिख रहे थे, कितना मज़ा आ रहा था वहाँ पे देखने में। लेकिन रात का जो सीन हो गया था ना वो क्रेजी हो गया था, मतलब वो मैंने, मेरे को लग रहा था कि मैंने लद्दाख कंप्लीट कर लिया, ऐसा वाला हो गया था। घाट करा हमने रात को भाई, बारिश में पूरा भीग गया था और रोडों में इतना पानी भरा हुआ था, पूरी की पूरी बाइक चली आ रही थी पानी में, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी दिक्कत आई मेरे को। लेकिन फिर हमको एक बंदे मिल गए थे, तो उनको पता नहीं है मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था करके, तो उनके पीछे पीछे चलते चलते मैं यहाँ पहुँचाऊँ, तो बस यही था। तो जो हमारी राइड थी उसका फेज वन कम्प्लीट हो चुका है, अब हमारा फेज टू स्टार्ट होगा। फेज वन गोवा तक पे रखेंगे, इसके बाद भी हम बहुत सारी क्रेजी चीज़ें करने वाले हैं, मतलब ऐसा कुछ किया नहीं होगा किसी ने। तो फिलहाल हम अपने रूम को टाका वगैरह बोलते हैं, फिलहाल सब सामान हम समेटते हैं निकलते हैं। तो लेट्स गो, इतना सारा सामान है भाई। उत्तराखंड, केदारनाथ। तो मेरे को एक फ्रेंड मिला था, तो अपना नाम बताओ। आरव नाइक। तो यूट्यूब में क्या चैनल क्या है? AM Vlogs। अच्छा ठीक है, तो ये है इनका चैनल, सही है, यही है ना? हाँ यही है। ओके, व्यूज अच्छे हैं, सही है, गुड, देखूंगा वीडियो। तो ये रास्ता ऐसे जाता है, तो आपको अभी स्ट्रेट, आपको शॉर्टकट चाहिए ना, तो इधर से लेफ्ट ले लो और फिर स्ट्रेट जाओ, ये लॉन्ग कट है क्योंकि इधर रेड है, ऐसे जाओ ना ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ से फेरी लेनी है, फिर यहाँ से फेरी लेनी है ना, इधर से आगे से, इधर से फेरी है, ये रायबंदर का रोड है, इधर रायबंदर रोड है, तो इधर फेरी है, ये देखो। और ये पुल है पूरा? नहीं, ये नॉर्मल रोड है, एक रोड है, प्रॉपर रोड बनाया है रोड पे। ठीक ठीक। और फिर इधर वो लोग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका पूरा रास्ता, ये फेरी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और गाड़ियों के लिए सिर्फ 20 रुपये। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलो फिर तो मिलते हैं, लेट्स गो। बता रहा था मेरे को, तो यहाँ से मेरे को फेरी लेनी है, तो मैं पहली बार फेरी में जाऊँगा, और फिलहाल हमको जाना है लेफ्ट। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो फेरी बोट में चढ़ने वाला हूँ मैं, फर्स्ट टाइम है भाई, आई एम एक्साइटेड। तो आगे हम फाइनली
अपनी फेरी बोट में पहली बार बैठा हूँ अपनी बाइक के साथ फेरी बोट में। फाइनली वी आर हियर। क्या करते हो? आगे आगे बंदा है, अभी कैसे मारूंगा बताओ। गाड़ी ठोक दिया पूरा। चलो अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं। हैं? लगा नहीं। तो फाइनली अपना सामान यहाँ पे आ चुका है और भाई सामान कितना बिखरा हुआ है, ये सारा सामान समेटना है हमको और यहाँ ले जाना है। और ये पेपर वेपर मैंने बिछाने के लिए रखा हुआ है तो इसमें डालना है सारा सामान हमको। और भाई इनमारी इनमारी सब बढ़िया है मस्त करके। और आज मेरे को बेड शीट भी लेके आनी है और काफ़ी सारा सामान लेके आना है, कपड़े भी धोने हैं। तो भी मेरे को कॉफ़ी बना के पीनी है, बिस्किट भी खाऊंगा। तो सोचेंगे दिन में क्या खाना करके। लेकिन भाई व्यू देखो, बारिश वारिश अभी भी हो रही है मस्त। तो फिलहाल इसको सेट करते हैं। अपने रूम का सामान लेने आया हूँ अभी फिलहाल। इतना सारा सामान ले लिया मैंने, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, लाल मिर्च और क्या क्या लेते हैं, पानी की बोतल लेते हैं सबसे पहले। आप सोच रहे होगे कि भाई बाइक से स्कूटी में कैसे आ गया हूँ। तो मैंने काफ़ी सारा सामान लिया था वैसे, कहते हो रहा था कि ले जाऊँगा कैसे, और मैं आपको जाके दिखाऊँगा कि मैंने कितना सारा सामान लिया है। रूम पे जल्दी से चलते हैं भाई। आ रहे, ये वो डॉगी। फिलहाल हम स्कूटी देने जा रहे हैं, देखो कैसे भाग रहा है। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। बैठा रहा हूँ, बैठ नहीं रहा है। आ जाओ आ जाओ। तो इसकी बॉर्डर लाइन यही है, इससे आगे नहीं आता है। मैंने कितनी बार बुलाने की कोशिश करी है इसको। फिलहाल लेने चलते हैं स्कूटी। अंकल का थैंक यू यार, दिया हमको। तो फाइनली इतना सारा हमारा सामान आ चुका है और मैं बाइक वापस करे हुए अंकल जी की, और अंकल जी को थैंक यू बोल गया भाई, उनके उन्होंने काफ़ी मदद कर दी थी हमारी। और हमने अपना पानी वाला पूरा स्टॉक रख लिया अपने पास, और नमक हमक जो भी बेसिक नीड्स होती है ये सब लेके आया हूँ मैं। अब इनको रखना है सब किचन में, रखते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच अपने लिए। तो मैं ब्रेड लाया हूँ, तो ब्रेड अपनी यहाँ है और ये टॉपिंग्स हैं अपनी, बटर लाए। तो भाई एक दिक्कत हो गई है, ये जो ब्रेड है ना ये टूटने वाला ब्रेड है, जिससे सैंडविच अच्छे से बन नहीं पा रही है, टूट गया है।
लेकिन मैंने सारी मेयोनीज बटर वटर डाल के बनाया है, तो टेस्टी हो रहा है लेकिन काफ़ी। तो चलो अपना आधा काम कंप्लीट हो गया है। मैंने अपने रेनकोट रेनकोट छुपा दिए थे और अपने बैग वैग जो गंदे हो रहे थे वो मिट्टी विट्टी निकाल के मैंने सब सुखाने रख दिए, तो ये सूख रहे हैं अभी भी, थोड़े हल्के फुल्के गीले हैं। वैसे मैंने एक चीज़ देखी ना, वैसे बोलते हैं कि वाटरप्रूफ है, लेकिन अगर आप 2 या 3 दिन तक भीग रहे हो ना भाई, ये वाटरप्रूफ रहते ही नहीं है। मतलब नमी तो आ जाती है लेकिन तब भी बेस्ट है भाई, बेस्ट बैग लगा मेरे को ये और ये। तो भाई इन्होंने ना बहुत बचाया मेरे को, जितने टाइम से हम भीग रहे हैं ना भाई, तो अब जाके मेरे को वर्थ इट लगा मेरे को इसको लेना। पहले मैंने सोचा था कि यार इतना महंगा बैग ले लिया मैंने, सस्ते में भी आ गया था 2-3 हज़ार में, लेकिन भाई बेस्ट है सब। मैंने अपने अंदर के लाइनर सब सुखा दिए, तो आधा काम अपना कंप्लीट हो चुका है। और धोने वाले कपड़े भी मैंने रख निकाल लिए साइड को, और ये मेरी राइडिंग जैकेट के मैंने कल आके सुखा लिए थे। और फिलहाल इतना सामान बचा है जो हमें अभी एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसको भी एडजस्ट करते हैं। तो कपड़े धोएंगे फिर इसके बाद मिलते हैं। तो जो हमारी राइड थी उसका फेज़ 1 कम्प्लीट हो चुका है, अब हमारा फेज़ 2 स्टार्ट होगा।